हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके घर के चैनल अभी स्टोर पे। तो अभी कुछ फेसबुक में न्यू प्रॉब्लम आई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एक प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। और ब्लॉग नंबर 5 है आज। आज मैं लास्ट डेट मेरा यहाँ रामानगर में, फिर मैं निकल जाऊँगा वापस अपने होम टाउन सिटी में अंबिकापुर में। तो बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लम, इससे क्या फेस करना पड़ेगा आपको और क्या प्रॉब्लम, इससे कैसे बचना है ये भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम दिख रहा है, इस प्रॉब्लम में होता यूँ है कि आपका पोस्ट है 7 डेज के लिए ब्लॉक हो जाएगा। जो भी पोस्ट डालते हो ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एनी टाइम, जो दिन भर आप पोस्ट डालते हो, इस पोस्ट पे आपको परहेज करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा पोस्ट अपलोड मत कीजिएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो इसको प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे मेन उपाय है। दूसरा चीज़ मैं आपको वीडियो क्लास में दिखाऊंगा कि कैसे करना है। पोस्ट जो डालते हो डायरेक्ट किसी के भी नाम को हिट नहीं करना चाहिए। ये भाई देखो, आप किसी को मेंशन कर रहे हो मतलब डायरेक्ट आप फेसबुक के लिए, तो ये नहीं हो, फेसबुक ये नहीं समझता ना कि आप उससे मतलब लाइक ले रहे हो या आप फॉलोअर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो या क्या कर रहे हो। फेसबुक को तो ये लगता है कि आप उसका नाम यूज क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों कर रहे हो, तो आपका ब्लॉक कर देता है आईडी को। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो नाम को थोड़ा चेंज करके करना है आपको पोस्ट, मैं वीडियो में अभी दिखा रहा हूँ कैसे, एग्जाम्पल के लिए। तो कुछ इस तरह से यूज कीजिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा, इस परेशानी से बचने के लिए आपको पोस्ट यार मिनिमम 2-3 ही डाला करो पूरे दिन में। ऐसा नहीं है कि आप 50-60 जो पोस्ट डाल रहे हो, कंटिन्यू पोस्ट डाल रहे हो कि आपको फॉलोअर जो बढ़ रहे हैं, कि पोस्ट डालने से फॉलोअर बढ़ते हैं। यार आप लाइक करोगे, आप सपोर्ट करोगे तो भी फॉलोअर बढ़ेंगे। ट्राई करके देखिए, अच्छा से सपोर्ट कीजिए, मेरा भी रिक्वेस्ट मिलेगा। टाइमलाइन आपको दिखा देता हूँ, टाइमलाइन आप देख रहे हो, तो आप यहाँ सपोर्ट कीजिए, आईडी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और इजी मुझे ऐड भी कर सकते हैं प्लस, और कई लोगों का रिक्वेस्ट आता है यार, आप भी यहाँ से रिक्वेस्ट भेजिएगा। सीधी बात ये है ना कि आप सपोर्ट कीजिए और सामने वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजिए। आपका मन करे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं किए तो पेंडिंग में रहने दीजिए, डिलीट मत कीजिएगा। फॉलोअर बढ़ाइए, सबका फॉलोअर बढ़ेगा, जो सपोर्ट कर रहे हैं सबका फॉलोअर एक साथ इंक्रीज होगा। चलिए मैं वीडियो का जो खास बात है कि कैसे आपको टैग करना है उसके बारे में इस वीडियो को जोड़ देता हूँ और पूरा देख लीजिए। थैंक्स टू वॉच। पोस्ट डालने के लिए कुछ आप इस तरह से यूज़ कीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने गुड मॉर्निंग लिखा है या जो भी आपने अपना पोस्ट बनाया है। तो मेरा जो नाम यूज करते हैं तो सैजन कुमार सिंह, ये पूरा है। तो पूरा ऐसे आपको पोस्ट नहीं करनी है, आपको दिन में 3-4 बार कर रहे हो तो आप कुछ इस तरह से पोस्ट कीजिएगा, थोड़ा कम कीजिएगा और 1-2 डॉट लगा के ऐसे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर अगर मान लीजिए फिर डाल रहे हो आप पोस्ट, तो फिर सेम प्रोसेस है, मेरा डायरेक्ट नाम नहीं डालिएगा, आप आधा डाल दीजिएगा, सैजन कुमार सिंह या सरन कुमार डाल दीजिएगा, डॉट डाल दीजिएगा, इसके बाद आप इसको पोस्ट कर सकते हो। इस तरह से पोस्ट करके फेसबुक के एल्गोरिथम को हम लोग बैकअप बना सकते हैं और आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम से आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखो होता क्या है कि अपील करना रहता है, अपील करके आप अगर आपका सही हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको डेट के लिए इतना डेट फेंक देगा बाहर, कितने दिन तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सतर्क रहिए, सेफ रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए आपका एप्पी स्टोर, ताकि हर एक अपडेट आपको हम मिलता रहे। थैंक्स टू वॉच।